आज मैं लेकर आई हूँ ईद स्पेशल में सेवइयों का डेजर्ट जो सभी को बेहद पसंद आने वाला है। आपने दूध वाली सेवइयाँ या फिर किमामी सेवइयाँ तो कई बार बनाया होगा, लेकिन एक बार इस मेथड से इस ईद पर आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सभी को बेहद पसंद आने वाला है और बहुत ही ईजी मेथड से मैंने इसे शेयर किया है, तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सेवइयों का डेजर्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बारीक वाली सेवई का इस्तेमाल किया है। ये मार्केट में बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगी और अगर ये वजन से मैसे करें ना तो 300 ग्राम है। इससे पहले हम हाथों से अच्छे से तोड़ लेंगे इसके, जो ये देखिए इस तरह से होता है ये। अब हम इसके अंदर मेल्टेड बटर ऐड करेंगे हाफ कप। अगर आपके पास बटर नहीं तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल में इसे ना बनाइएगा। तो चलिए अब हम पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे। तो 3/4 कप यहाँ पर मैंने चीनी लिया है, बस एक चम्मच के करीब मैंने इसे बचा के रख लिया था। और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो पूरा ऐड कर सकते हैं। और साथ में ये 2 बड़े चम्मच भर कर मिल्क पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा फूड कलर हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर 1/2 चम्मच के करीब इस्तेमाल किया है, ताकि जो कलर है ना सेवइयों का वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर आप फूड कलर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। देखिए इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, तो चलिए अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे गैस पे मैंने एक पैन को रख लिया है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले सेवइयों को ऐड कर देंगे और इसे गैस की फ्लेम बिल्कुल ही स्लो रखना है और अच्छे से इसे कुक करना है। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि शायद इसके अंदर हमने चीनी ऐड की है तो चीनी मेल्ट करेगी और ये जो सेवइयाँ हैं उसमें बहुत सारा पानी रिलीज़ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं, बहुत ही आराम से ये कुक हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें बटर ऐड किया है। तो देखिए 1 से 2 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे और टोटल हमें 4 से 5 मिनट का वक्त लग जाएगा इसे अच्छे से कलर आने तक। तो यहाँ पे हमारी सेवइयाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम रखते हैं इसे साइड पे। चलिए देख लेते हैं इसकी दूसरी तैयारी। तो सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 बड़े चम्मच भर कर, और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर यानी कि वेनिला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर दूध ऐड करके अच्छे से इसके सारे लम्स को ख़त्म कर देंगे और इसे अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। इसे हम रख देंगे साइड पे। चलिए अब यहाँ पे मैंने एक पैन रख लिया है और इसके अंदर हम 2 कप दूध ऐड करेंगे। अच्छा दूध आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर जो आप दूध का इस्तेमाल करते हैं वो भी चलेगा, या फिर फुल फैट आप मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस दूध में एक उबाल आने देंगे। देखिए दूध में एक उबाल आ चुका है, गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। अब इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भर कर यहाँ पर मैंने दूध की मलाई ली है। अगर आपके पास दूध की मलाई ना हो तो आप इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि दूध हमारा थोड़ा सा रिच हो जाता है और हमारा जो डेजर्ट है ना वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर से करें। अब चीनी हमने ऐड कर दी है 3/4 के करीब, या फिर आप जितना मीठा पसंद करते हैं उतनी आप इसमें चीनी को ऐड कर दीजिएगा। अब चीनी को अच्छे से हमें मेल्ट कर लेना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, और साथ में जो हमने घोल तैयार किया है कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर का, उसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डाल देंगे। और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करते जाएँ। बस आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना आए, वरना आपके डेजर्ट में बहुत सारे लम्स आ जाएंगे। तो बस इसे लगातार हमें चलाते रहना है 4 से 5 मिनट में। ये देखिए बहुत अच्छे से ठीक हो चुका है ना, और चम्मच में इसकी कोटिंग जो है ना वो अच्छे से आ जानी चाहिए, इतना हमें ठीक चाहिए। डेजर्ट का जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रे लिया है और इसके अंदर जो हमने पहले सेवइयाँ को फ्राई करके रखे थे ना, बस उसमें हम एक लेयर इस तरह से बिछा देंगे और एक छोटी कटोरी लेंगे, उसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे, या फिर आपको जैसे ही आप इसे प्रेस करना चाहें बस इस तरह से हमें पहले लेयर को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो हमने बैटर को तैयार किया है ना, कस्टर्ड और दूध और मलाई वाला, उसे हम इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से इसकी लेयर को बना लेंगे। ये देखिए आप बस अच्छे से इसे डाल दीजिएगा, कोई भी जो कॉर्नर है ना वो बाकी ना रह जाए। देखिए इस तरह से यहाँ पे 4 से 5 चम्मच मैंने इस्तेमाल किया है इसकी दूसरी लेयर को सेट करने के लिए। अब जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा ना, तब हम इसे उसके ऊपर जो हमने सेवइयों का लेयर है ना यानी कि तीसरी लेयर, इसे हम डाल देंगे। बस इसको हमें प्रेस नहीं करना है, इसके वो हल्के हाथों से ही हमें सेवइयों को अच्छे से सेट करना है। बस पहली लेयर को हमें सेट करना होता है कटोरी की हेल्प से, दूसरी लेयर को हम बस हल्के हाथों से ही सेट करेंगे। अब इसके ऊपर हम फिर हमने जो डेजर्ट का जो बैटर तैयार किया था वो हम डाल देंगे। ये देखिए जैसे जैसे बैटर हमारा ठंडा हो रहा है ना, कितने अच्छे से ये थिक होता चला जा रहा है, बहुत अच्छे से ये सेट हो जाता है। अब यहाँ पे हमने ये चौथी लेयर हमने ऐड कर दी है। अब हम इसके ऊपर सेवई की पूरी तरह से लेयर को सेट नहीं करेंगे, सिर्फ कॉर्नर पे ही इसे हम सेट करेंगे। तो इसके जितने भी कॉर्नर हैं बस उसके ऊपर ही हम लेयर को ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसके पूरी तरह भी इसे सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड है।
अब इस डेजर्ट को ना मैंने सेवइयों से इसे गार्निशिंग कर लिया है। अब इसके ऊपर हम पिस्ता की दूसरी लेयर लगाएंगे ना, उससे तो बहुत अच्छा सा लुक आता है। ये देखिए पिस्ता लेंगे और इसे हिमाम दस्ते में इस तरह से कूट लेंगे, या फिर आप जैसे भी क्रश करना चाहें कर सकते हैं। और इस तरह से इसके कॉर्नर पर हम इसे गार्निशिंग कर देंगे, बीच में हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देंगे, या फिर आप चेरी, टूटी फूटी, या फिर आप कोई भी आपका जो पसंदीदा फ्रूट है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी हमारा ये डेजर्ट बनकर रेडी है। ये देखिए लेयर में आपको दिखा दूँ ना कितनी अच्छी आ रही है। अब हम इसे क्लिन रैप से रैप कर लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अगर क्लिन रैप नहीं है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसके ऊपर आप कोई भी ढक्कन लगा दें और इसे 2 से 3 घंटे हम फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये सेट हुआ है। बहुत इजी मेथड से मैंने इसे शेयर किया है, कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। तो फिर चलिए अब हम इसे कट करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो डेजर्ट है ना उसका बड़ा पोर्शन ही मैं कट करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सा ये कट हुआ है ना, और खाने में बहुत ही लाजवाब है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। दूध की सेवइयाँ हो या फिर किमामी सेवई, सब भूलकर आपका ये डेजर्ट ही खाना पसंद करेंगे। ये जो डेजर्ट है ना वो ठंडा ठंडा ही बहुत अच्छा लगता है। ईद में आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सभी को बेहद पसंद आने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे डेजर्ट बनाने का तरीका पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, और ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की बेहद आसान रेसिपी के साथ। आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक।